बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि सीटों पे तशरीफ ले जाएं ताकि आप तकरीर प्रॉपर सुन सकें। जब ये मुल्क बना तो एक दस्तूर बनाया गया, एक आईन बनाया गया। हमने उस आईन पे इस मुल्क को लेके चलना था ताकि हर इदारा अपनी हदूद में रह के इस अवामुन नास के लिए काम कर सके, लेकिन हर लम्हे हर मौके जब जब इस आईन को उस पे दर्द जमहूरी सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई तो हर वो बंदूक वाला सामने आया और उसने इस आईन को पामाल कर दिया। वो दस्तूर जिस पे उसने ओथ लिया, हलफ लिया, पहले उस हलफ को तोड़ा, फिर इस आईन को तोड़ा, फिर वो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ और बंदूक की नोक पे, बंदूक की गोली के जोर पे लोगों की इज्जतें पामाल की गई। उन्हें हमेशा कैद के खौफ से आवाज उठाने से मना किया गया। मुल्क की 75 साल तारीख में जमहूरियत कितनी देर चली ये आप सब अहबाब मुझसे बेहतर जानते हैं, और हमेशा इस आईन पे जिसको हम रूल कहते हैं, जिसको हम कानून कहते हैं, सबसे पहला शब खून मेरे फौजियों ने मारा, मेरे उन फौजियों ने, वो फौज मेरी है जो इन जर्नैलों से नीचे नीचे है, बाकी सब ने मिलजुल कर अपने अपने हिस्से का इस मुल्क को लूटा। मैं आगाज करूंगा, कि बॉर्डर के रखवाले आप हैं। इस मुल्क में बुनियादी चीज जो इस मईशत की तबाही का सबब बनी है वो इस मुल्क में स्मगलिंग है, जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं। उस बॉर्डर से जो चीजें स्मगल होके आती है वो आपकी निगरानी के बगैर इस मुल्क की मार्केट तक नहीं पहुंच सकती। तो हम ये कैसे न कहें कि अपना हिस्सा रखने के लिए आपने इस मुल्क की मईशत की तबाही की बुनियाद क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से शुरू की है। आपने इस मुल्क की आवाम के टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा लेते हैं, आप उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। आपने वो बजट का बड़ा हिस्सा इस आईन कानून की हिफाजत के लिए लिया है। आप पहले आईन पामाल करते हैं और वही लगाया हुआ लिया हुआ टैक्स अपनी कौम पे जुल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला स्टेप, कश्मीर आपकी जिम्मेदारी है, आपने आगे लग के बंदूक पकड़ी है कि हम हिफाजत करेंगे, वापस देंगे। मुझे हामिद मीर का वो इंटरव्यू आज भी याद है कि उसने कहा कि एक आर्मी चीफ ने हमें बुला के कहा कि हमारे तो टैंकों में डीजल नहीं है, हम लड़ने कैसे चले जाएं। आपके पास बंदूक की ताकत है। इस कौम को, इस इन मुकला को अल्लाह पाक ने कलम की ताकत से नवाजा है। आपने जिया का दौर देखा, आपने मुशर्रफ का दौर देखा, हमने इस कलम के जोर से अपने इत्तेहाद के दम पे आपके चीफ को उस गैर कानूनी एक्ट के बाद उसको मुल्क में आईन वापस करने पे, रूल ऑफ लॉ वापस लाने पे हमने उसको मजबूर किया। आपने हमारी पार्टी के वर्करों को घरों तक मैसूर कर दिया,
उनको जेलों में बंद कर दिया। आपने मिलिट्री ट्रायल के नाम पे फिर आईन को पमाल किया। केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैं उस पे अपनी राय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जो भी फैसला आएगा वो हम सब कबूल करेंगे। एक पैगाम मैं आज आपके तवस्सुत से इस मुल्क की जुडिशरी को भी देना चाहूंगा कि खुदारा अपने फैसले करते हैं वो कानून के मुताबिक होते हैं, उन पे अमल दरामद भी आपने करवाना है। नहीं करवा सकते तो आप ही रूल ऑफ लॉ के मानी में नहीं आते, आप भी फिर आईन से गद्दारी के मुंतकिब होंगे। मेरे दोस्त काशिफ बशीर को उठाया गया, उसे सिर्फ इस पदाश में कि वो खान का सिपाही है। हम लॉयर आज इकट्ठे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए। हम हर उस गैर जमहूरी अमल के खिलाफ खड़े हैं और इंशाल्लाह पूरी ताकत से खड़े हैं। हमें उठा लिया जाए, हमें बंद किया जाए, हम पे जो जो ये जुल्म रवा रख सकते हैं रखे, उसके पीछे हमारी कोई फाइलें नहीं है, हमें ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसके पीछे हमारी कोई बद किरदारी नहीं है, उसके पीछे हमारी आईन से इनहराब नहीं है। हम इस आईन के रखवाले हैं, इसके सिपाही हैं, हमारी जान जाती है तो जाए, हम इस मुल्क के भी मुआफिज हैं। हम ये बारिश का पहला कतरा बने हैं। हमने आज उस तहरीक का आगाज किया है जो इंशाल्लाह अपने बंदगी अंजाम को इस रंग में पहुंचेगी कि यहाँ पर कानून और आईन की बालादस्ती होगी। साइकिल वाले चोर को भी वही सजा मिलेगी जो अरबों की करप्शन करके जो इदारों को इस्तेमाल करके अपना पेट जन्म की आग से भरता है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। मेरा आखिरी जो इस मुल्क की आवाम है वो आपको फीड करते हैं, उनके टैक्सों से आप मुल्क चला रहे हैं। खुदारा खुदा का खौफ करे उस पिसे हुए तबके के लिए भी एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपने अपनी अना की जंग में उस तबके को कहां पे लाके खड़ा किया है। आप इस मुल्क में सांस लेने के नाम पे भी टैक्स लेते हैं, खुदा का खौफ करे उनके मुंह में जो वो आखिरी नवाला है वो कमाते खुद है, आप वो कमाया हुआ नवाला भी छीनना चाह रहे हैं। मैं इंसाफ लाइव फोरम पंजाब की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना कामयाब और भरपूर ये कन्वेंशन मुनकिद किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक को अपने मंतकी अंजाम तक लाएंगे और आईन ही बालादस्त होगा। पाकिस्तान। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।